شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وعطرته الطاهرة واللعنة الدائمة على أهلها أما بعد अजान मोहतरम माह रमज़ानमबारक की रोज़ाना की दुआओं की मुख्तर तशरी आपकी खिदमत में पेश करने की इसत को मुसलसल हासिल किया जा रहा है और आज अट्ठाईसवें दिन की दुआ माह मुबारक की जो इमाम मासूम सलाम ने तालीम फ़रमाई वो यूँ कि अल्ला व फिर हफ्ज़ी फ़ी है मिनन नवाफिल व अक्रमनी़ फ़ी है बे वकर्रब फ़ 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 फ़ी है वसीलती इली का मबीसाइल या मश गलूहू अल्हामलह अ बरवरदगार मेरे नसीब को खोल दे नवाफिल के ज़रिए से व्रमनी फ़ी है बेहजार मसाइल और मुझ पर अपना करम फरमा ताकि मैं मसाइल को याद रख सकूँ और इज़ार कर सकूँ और जब भी मसाइल के इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आता है तो मैं उन मसाइल पर अमल कर सकूँ मकर्रब फी है वसीलती इले का मुमबैसाइल और परवरदिगार अपने वसीले से मुझे करीब कर दे मुमबैनसाइल अपने दीगर वसाइल के ज़रिए से अपने वसीलों से मुझे करीब कर दे या मल्ला या मशगलहू अल्हामुलहम और ए वो के शोर करने वालों का शोर जिसको मशहूल नहीं करता जिसकी तवजहत को नहीं हटा सकता अब आ जाइए इस दुआ की तिलावत का सवाब फ़क नमा मंद आ भी जिसने इस दुआ की तिलावत की फ़क्का अत अमा कुल्ला जा वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उसने हर भूखे को खाना खिलाया वह अरवा कल्ला आतशानन और वो ऐसा ही है कि जैसे उसने آ... हर प्यासे को पानी पिलाया वह अक्सा कु मोमिन व मोमिनतिन कमा कानू दुनिया और ऐसा آ... ही है कि जैसे उसने हर मोमिन हर मोमिन की मदद की और उसकी जिंदगी को आसान बनाया उसका सवाब इसे मिलेगा तो हर भूखे को खाना खिलाया हर प्यासे को पानी पिलाया और हर मोमिन की मदद की यह सवाब इसे मिलेगा आज की दुआ की तिलावत करने वाले शख्स को अब नवाफिल सबसे पहला जो जुमला है उसके अंदर हफीफ़ी है मना नवाफिल नवाफिल क्या चीज़ें हैं नवाफिल ये बात याद रखिएगा कि नवाफिल मुस्तहब नमाजों को कहा जाता है मंदूब सलात मंदूब या सलाबात मंदूबा को कहा जाता है मुस्तहब नमाजों को नवाफिल कहा जाता है नवाफिल का क्या काम होता है नवाफिल का काम होता है कि जो वाजिब नमाजें हैं वाजिब नमाजों में जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करती है नाफिला नमाजें जो इंसान मुस्तब नमाज़ें पढ़ता है ये मुस्तब नमाज़ें वो हैं नवाफिला नमाजें वो हैं कि जो वाजिब नमाजों में जो कमी बेची रह गई है ना उसको परवरदिगार आलम की हुक्म से पूरा कर देता है व अक्रमी फ़ी है बे एहज़ारमसाइल और मसाइल पर इंसान की गिरफ्त होनी चाहिए अच्छा नवाफिल की बात पहले मुकम्मल कर ली जाए कि जैसे नवाफिल हैं नवाफिल यौमिया हैं अब नवाफिल यौमिया के अंदर फ़जर की नवाफिल अलग हैं जहर व असर की नवाफिल अलग हैं मग़रब और ईशा की नवाफिल अलग अलग हैं उनकी तादाद क्या है वो कब पढ़नी है नमाज से पहले पढ़नी है। नमाज के बाद पढ़नी है। उसकी तरफ हम नहीं जा रहे इसलिए कि बिल्कुल बेसिक मालूम हैं ये उमूमन तमाम ही ममिनिन ममिनात के पास होती हैं मगर ये बात कि नवाफिल यौमिया ही के अंदर नमाज शब भी है नमाज तजुद भी उसके अंदर है नवाफिल यौमिया के अंदर मगर हम उसकी अदायगी नहीं करते हम नहीं पढ़ते हमें पढ़ना चाहिए और ये अल्लाह ताली की जानब से एक खजीना और ख़ज़ाना है और कंस है हमारे पास कि जिससे हम अगर। और ये नवाफिल वो हैं कि जो इंसान की वाजिब इबादतों के अंदर जो कसर रह जाती है जो कमी रह जाती है उनको मुकम्मल करने का काम देते हैं लिहाजा जो नमाज शब है ये ख़ुद भी योमिया नवाफिल यौमिया का एक हिस्सा है नमाज शब कि जिसकी तरफ हमारी तोजहत कम रहती हैं हालांकि नमाज शब की बहुत ज़्यादा ताक़ीद सुन्नत मददा है और एक ऐसी इबादत है मस्तहब इबादत की जो वाजिब के बहुत करीब है और रसूल सल्हसम पर तो वाजिब ही थी अलबतः चेहरे के नूर में इजाफ़ा रिस्क और रोज़ी की परेशानियों को दूर करती है इंसान को महफूज रखती है बलाओं से परेशानियों से आफतों से बलाओं से महफूज़ रखती है और बहुत सारे इसके फ़वाद हैं नमाज शब को इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करे लाजमी तौर पर इसके अलावा आकए शेख हसन अली नुहदगी इस्फहानी आल ला मकामह नवरअल्ला मरकद हू ये आ, अपनी किताब के अंदर एक अमल बयान करते हैं और ये कहते हैं कि मैंने जो जो कुछ भी ख़ैर और नेकी और अच्छाई पाई है वो इस एक अमल के सदक़े और बदौलत पाई है और कहते हैं कि मैं एक ऐसा अमल यही अमल मैं लोगों को तालीम देना चाहता हूँ और ये इल्म कीमिया से ज़्यादा बेहतर है इल्म कीमिया से भी बेहतर ये अमल हर वाजिब नमाज के बाद इंसान इस अमल को अंजाम दे और वो अमल क्या है तस्बीहात हज़रत जहरा अलैहा पढ़े सबसे पहले फिर आयतुलकरसी अज़ीम तक पढ़े और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करे तीन मरतबा दुरूद की तिलावत करे और उसके बाद सूर तलाक़ की इब्तदाई आयतें ज इसमे रहमयला ज मखरजा वुन तसब वमय तवक्ल अफबो इलाबा अमर कद ज्लाक शरा इस आयद की तीन मरतबा तलावत करें अगर कोई शख्स ये काम अंजाम देता है तो शेख नुख्दकी इसफ़ाहानी का ये कहना है कि ये इलम कीमिया से भी बेहतर है यह अमल और इसका अपनी जिंदगियों में शामिल करना इंसान को बहुत सारे बरक़ात से और फ्यूज़ात से हमकिनार करेगा लिहाजा ए परवरदिगार मेरा नसीब खोल दे नवाफिल के ज़रिए से वह व नी फ़ी है बे बेज़ार मसाइल और ए परवरदिगार मसाइल को जानना जा मसाइल के ज़रिए से मैं एहजार करूँ यानी कि जब भी कोई मसला पेश आए तो मैं मसाइल के ज़रिए से उस मसाइल कौन से यानी मैं मसाइल को जानने वाला हूँ मैं फ़िकी मसाइल को जानने वाला हूँ और मसाइल का इल्म रखने वाला हूँ फ़िका को जानने वाला हूँ हलाल और हराम का इल्म रखने वाला हूँ हलाल और हराम का इल्म इंसान के पास होना चाहिए अगर इंसान हलाल और हराम के इल्म को नहीं सीखेगा तो ये बात याद रखिएगा कि वो रहज़नों की तरह हो जाएगा रहज़नों की तरह हो जाने का माना यह है कि बस रास्ता चल रहा है अपने घर आ रहा है जा रहा है कोई उसका घर नहीं होगा कोई उसका मल जाओ मावा पलटने की जगह नहीं होगी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि गैर महजब हो जाएगा जैसा कि छठ मामिल सलाम की हदीस है कि हलाल वल हराम वाला अन तुम अगर तुमने हलाल व हराम में तफक् न किया उसे न सीखा तो ये बात याद रखना कि तुम ग़ैर महजब लोगों में से हो जाओगे लिहाजा जो मसाइल इंसान को रोज़ाना की बेस पर पेश आ रहे हैं जो रोज़ाना के मामूल के मुताबिक इंसान को पेश आने वाले फ़िकी मसाइल उनका याद करना ज़रूरी है उनको इंसान याद रखें व फ़ी है वसीलती इले का मेन बिनिल वसाइल और ए परवरदगार मेरे वसीलों को और मुझे ख़ुद से कुर्ब इनायत फरमा अपने वसाइल के ज़रिए से अल्लाह तक कुरब हासिल करने का वसीला कौन है क्या है मोहम्मद वाले मोहम्मद वसलम कुरान है बैत अहिल बैतारम है ये वो हैं कि जो इंसान को बंदे को रहमान से करीब करते हैं और ये बात याद रखिएगा कि कोई वसीले का इनकार नहीं कर सकता कोई वसीले का इनकारी नहीं हो सकता इंसान खाना खाता है हाथों के वसीले से उसी खाने को चबाता है दांतों के वसीले से उस खाने को हज़म करता है अपने शिकम और पेट के वसीले से और देखता है आँखों के वसीले से सुनता है कानों के वसीले से सूंघता है नाक के वसीले से चबाता है दो दांतों के डेंचर से तो इन वसीलों को आलम ने इंसान के वजूद में रखने के ज़रिए से ये दर्स दिया है और ये मैसेज और पैगाम दिया है और समझाया है कि याद रखो ए इंसानों ए मेरे बंदों जब तुम्हारा एक छोटा सा बदन बगैर वसीले के नहीं चल सकता तो यह कायनात बगैर वसीले के कैसे चलेगी और जब यह कायनात बग़ैर वसीले के नहीं चलती तो मेरा दीन मुबीन इस्लाम दीन मुबीन इस्लाम बग़ैर वसीलों के मैं कैसे छोड़ दूँगा अच्छा अब इसके अंदर कितना बड़ा पैगाम है हमारे लिए कि इंसान नाक की दो नोस्ट्रेल से सूंघता है इंसान दांत के दो सेट ऑफ़ डेंचर्स के ज़रिए से चबाता है दो कानों के ज़रिए से सुनता है दो आँखों के ज़रिए से देखता है दिमाग से जो सोचता है वो उसका सोचना आ, दिमाग जो है वो भी दो हिस्सों के ऊपर डिवाइडेड है दो आँखें दो हाथ दो पाँव लिहाजा इंसान को जो परवरदिगार आलम ने वसीले इख्तियार आ, इनायत किए हैं ये वसीले दोहरे वसीले हैं दो आँखें दो नोस्टल्स दो दाँत के डेंचर्स दो लिप्स दो दिमाग के दो हिस्से दो हाथ दो पाँव तो परवरदिगार आलम ने गोया समझाया कि ज़िंदगी में तुम्हें दोहरे वसीलों के ज़रिए से मैंने आगे बढ़ाया तो कयामत में एक कुरान मेरे पास लेकर मत आना दूसरा वसीला जो रसूल छोड़ कर गए थे यानी कि बैत उसे साथ लेकर आना अब ये वसीलों की जब बात आती है तो वही अफराद के जो वसीले का इनकार करते हैं वो लोगों से मदद तलब करने के लिए आ जाते हैं चंदा तलब करना ये वो सब कुछ तो उनसे ये कहा जा सकता है कि आप तो वसीले का इनकार करते हैं आप तो वसीले को मानते नहीं हैं आप तो कहते हैं जो मांगना है अल्लाह से मांगो मगर जब चंदा मांगने की बारी आती है तो लोगों से मांगते तो ये बात यह तय है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर वसीला बग़ैर वसीले के कोई काम नहीं हो सकता लिहाजा अल्लाह ने इसबाब की दुनिया सजाई है वसीलों की दुनिया सजाई है और इन वसीलों में जो बेहतरीन वसीला है वो मोहम्मद मोहम्मद का वसीला है इतनी ढेरों दुआएं ऐसी हैं कि जिन दुआओं के अंदर जब मोहम्मद मोहम्मद का वसीला दिया गया तो उसमें यह बयान किया गया कि ए परवरदिगार मैं तेरे महबूब तरीन बंदों का वसीला देकर तुझसे दुआ तलब करता हूँ मुझे ना देख मेरे अमाल को ना देख मेरा सया चेहरे को ना देख अगर देखना है तो उन वसीलों को देख के जिन वसीलों को इख्तियार करके तेरी बारगाह में आ रहा हूँ तो ए परवरदिगार मुझे अपने वसायल अपने वसीलों के ज़रिए से मुझे अपना कर्ब इनायत फ़रकुरब इनायत फरमा मुझे ख़ुद से करीब कर ले या माह यशगलहू अल्हामुल्हन ए वो परवरदिगार कि जिन्हें शोर करने वालों के शोर से जो मुनहरफ नहीं होता इसकी तवज्जोहात दूर नहीं होती इतने सारे लोग एक वक्त के अंदर परवरदिगार आलम से तलब कर रहे होते हैं मगर परवरदगार सबकी हाजत रवई करता है सबकी दुआ को मुस्तजाब करता है सबकी बात का जवाब देता है यह आलम का करम है ये उसकी अजमत है लिहाजा इस दुआ के साथ के परिदिगार हमें नवाफिल पर अमल पैरा होने की तोफ़ी नायात फरमा नवाफिल को अपनी जिंदगियों में शामिल करने की तोफ़ी नायत फरमा नवाफिल वो के जो हमारी इबादतों की कमी बेशी को पूरा कर देती हैं और इंसान को बड़े स्वाब तक पहुँचा देती हैं और नवाफिल में ख़ास तौर से नमाज शब का रिस्क परवरदगार हम सबको नसीब फरमाए, बलाकुल फ़रमाएँ ममा अला अल बलामबीन वसल्लाहम्मद वालयबी तोाहरीन